नमस्कार। हम आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने कर्म सिद्धांत का कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने देखा है। उसी सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा और बात करके फिर आगे बढ़ते। कर्म सिद्धांत में जो हम करते हैं उसका फल मिलेगा, दिस इज अ फंडामेंटल रूल, ये सबको पता है। हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा। अगर आप उसके साथ जुड़ के आप उसका फल को प्राप्त करने का उद्देश्य से अगर आप करेंगे तो कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आप कर्म विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई भी संभावित उपलब्धि के साथ नहीं करोगे, वहां उस अवेयरनेस तक नहीं पहुंचोगे, तब तक ये कर्म उसका फल आपके पीछे आता रहेगा। क्योंकि जो भी आपके पास टूल्स है, जिस टूल्स को आप यूज करके डिसीशन लेते हो, वो इनकम्प्लीट टूल्स है। जैसा आपके पास जो टूल्स है, क्या है आपके पास? बॉडी है, माइंड है और इंटेलेक्ट है, जो तर्क वितर्क का ज्ञान, मन और शरीर, ये सारा लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड सोर्सेस है। इसके ऊपर डिपेंड होके अगर आप डिसीजन लेते हो तो फिर आपको हमेशा कर्म का फल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ अगर कोई डिसीजन लेंगे तो नेचुरली उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। तो इससे कैसे बाहर आना चाहिए? इससे बाहर आने के लिए आपको वो कर्म करना है उस सिचुएशन में जो कर्म कॉस्मिक धर्मों के अनुसार हो। कॉस्मिक धर्म कैसा होंगे? कॉस्मिक रूल्स के अनुसार। कॉस्मिक रूल्स कैसे बनेंगे? जो विश्व का पूरा तंत्र जो बनाया गया, वो परमात्मा का जो अंदर का शक्ति के अनुसार जो कॉस्मिक धर्म है, उस धर्मों के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना है। क्योंकि जब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक आप उस धर्मों के अनुसार कार्य नहीं करोगे, तब तक आपका कर्म का अंत नहीं होगा। वो कर्म अच्छा भी हो सकते, बुरा भी हो सकते। अच्छे कर्म आपको गोल्डन पाबंदियां है, बुरे कर्म आपका आयरन पाबंदियां है। गोल्ड और आयरन का ही तो फर्क पड़ता है, बट सब कुछ पाबंदी है, ये समझ लेना आप। अब कॉस्मिक धर्मों को कैसा समझना है? जैसा हमने बात किया था, आपके अंदर एक शक्ति है जो ध्यान करने के बाद जो आपके अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि विकसित होता है, वो बुद्धि हमेशा वो कॉस्मिक धर्मों के साथ जुड़ के रहता है। तो आपको उस बुद्धि के साथ जुड़कर कॉस्मिक धर्मों के साथ जुड़ना है। फिर जब आप ध्यान में उस धर्मों के साथ जुड़ोगे तो हर वक्त ध्यान में या बिना ध्यान में भी आप उस धर्मों के साथ जुड़ के उस समय जो काम करना है वो करने के बाद आपको उस कार्य का, उस पर्टिकुलर कर्म का असर आपके पास नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कॉस्मिक धर्मों के अनुसार आप जो भी चेष्टा कर रहे हो वो चेष्टा उसके अनुसार होगा। तो आपका बैलेंस, कार्मिक बैलेंस, आपका कर्मों का बैलेंस न्यूट्रल हो जाएगा। यही है आपका फ्री विल कैसा यूज करना है, कर्मों से कैसा मुक्ति पाना है, आपका संचित कर्मों को कैसा जीरो आउट करना है, प्रारब्ध कर्मों को कैसा कंप्लीट करना है, आगामी कर्मों को कैसा अवॉइड करना है, ये सारा एक टेक्निक है। ये कैसा पता चलेगा आपको? जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे, जब तक आप सज्जन संगत नहीं करोगे, आपका बुद्धि का विकास, जो बुद्धि आपके पास ऑलरेडी है, वो बुद्धि कॉस्मिक धर्मों के साथ नहीं जुड़ पाएगी। हमारे यहाँ और एक भी बात बोलते रहते हैं, धर्मो रक्षत रक्षिता। इसका मतलब ये है कि आप अपना बुद्धि को कॉस्मिक धर्मों के साथ जोड़ोगे तो आपको उस कॉस्मिक धर्मों के अनुसार जो भी आपको एक्शन होगा वो आपको रक्षा करेगा, मीन्स आपको उस सिचुएशन से मुक्ति
कर पाएंगे। इसका अर्थ ये है, आप सिंपल ये देखो, पूरा सृष्टि का जो चलन हो रहा है, उस सृष्टि का जो धर्म है, उस धर्म से आपको जुड़ना है, तब आपका ये पर्टिकुलर कार्य, पर्टिकुलर इस आत्मा का उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आप करते जाते हो, उस कार्य से आपको आगामी कर्मों का कोई शेष नहीं होगा, वो जीरो आउट हो जाएगा। मगर ये किसके लिए? जो आत्मा समझ गया कि वो आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा के एक रूप है या परमात्मा ही है, तब ये संभव है। अगर नहीं है तो कैसा करना है? तो इसी के लिए फिर हमको दोबारा वही करना है, जो अज्ञानी है उसको कुछ तो करना पड़ेगा, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां भी वही है, ध्यान करना है, सज्जन संगत करना है, स्वाध्याय करना है, घूम फिर के हमारा पूरा ये जो सब्जेक्ट में हमको करना क्या है, तीन चीज। और क्यों करना है, हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमने बता दिया। हम एक आत्म पदार्थ है, जन्म पुनर्जन्म परंपरा है, कर्म फल सिद्धांत है। तो ये सारा समझने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए, आत्म पदार्थ को समझने के लिए, परमात्मा तत्व से कनेक्ट करने के लिए हमको करना क्या, हर स्टेज में वो ही है, वो तीन चीज, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत। अब हम आएंगे अगला कॉन्सेप्ट। जब आत्मा जब भी इस भूमंडल में आता है, उसका हमेशा पुरोगति होता ही रहता है। वो पुरोगति ऐसा होता है जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ वो समुन्नत होता है। अभी कंप्लीटली वो समझा नहीं है कि वो आत्म पदार्थ है या परमात्मा है, वो अभी समझा नहीं है, हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। मगर जो एक्सपीरियंसेस के साथ वो जा रहा है, उससे वो समुन्नत हो रहा है, वो अपने आप को समृद्धि बना रहा है, अपने आप को वो नॉलेजबल बना रहा है, वो अपना ज्ञान का मात्रा धीरे 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 बढ़ा रहा है, तो ये हमेशा पुरोगमन सिद्धांत है। आप ये सोचिए, अगर कोई 10th क्लास का पढ़ाई कर लिया, उसके बाद फिर वो उसमें जो समझना है उसको कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट समझना है कर लिया, तो दोबारा वो आके 10th क्लास में बैठेगा नहीं, 11th क्लास में ही जाएगा या जूनियर कॉलेज में ही जाएगा। इसी प्रकार जब आत्मा का जो प्रोग्राम होता रहता है, यात्रा है, नोइंग या अनोइंग, जाने अनजाने में वो आत्मा है या नहीं है, उसे पता है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो एग्जाम्पल, वो एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया, तो समझो उसका नॉलेज बैंक बढ़ गया। वो कब फ्रक्टफुल होएगा या कब उसका संपूर्णता आएगा, उसको वो बाद में देखेंगे, बट आ गया। तो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम दोबारा एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। अगर किसी ने लड्डू खा लिया, लड्डू खाने के बाद अगर आप दोबारा लड्डू दोगे, वो लड्डू नहीं खाएगा, यार अभी तो लड्डू खाया, मेरे को और कुछ चाहिए। तो वो इसी प्रकार अच्छा हो बुरा हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कड़वा पदार्थ खा लिया, आपको कुछ लोगों को पसंद है वो कड़वा पदार्थ, वो पी लिया, एक कषाय है वो पी लिया, आप दोबारा उसको नहीं पियोगे, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस आपका हो चुका है। आप चाहते हो और कुछ नया, जो लड्डू खा लिया है उसको लड्डू दोबारा नहीं चाहिए, उसको और कुछ चाहिए। इसी प्रकार जब आत्मा का यात्रा में, जाने अनजाने में, अगर नोइंगली अगर कोई चूज करता है, तो वो आत्मा का एक चॉइस के साथ इस धरती में भी वो नोइंगली एक प्लान के हिसाब से वो जब आप अपना ध्यान करते हो, तब आपका पास्ट लाइफ दिख जाते हैं, तब आपको सोल जर्नी पता चल जाता है, तो सोल जर्नी, सोल प्लान पता चल जाता है, तो आप उसके अनुसार यात्रा करोगे, तो आप उसको एंजॉय करोगे उस यात्रा को उस समय पर। अब हम ये लेके चलते हैं कि उसको, उस सोल वांटेड टू हैव भूख का एक्सपीरियंस, तो वो चूज करता है, उसको एंजॉय करता है, वो पनिशमेंट नहीं है उसके लिए। अगर वो सोल जर्नी के बारे में पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो भूख का सिचुएशन में आ गया, क्योंकि उसने डिजाइन किया ना वो एक्सपीरियंस को,
तो फिर वो सोचेगा बिकॉज अज्ञान के वजह से वो पनिशमेंट है। ये पुरोगमन सिद्धांत का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप अगर कोई करोड़पति है, बहुत सारा वैभोग का अनुभव किया है, बहुत कुछ कर लिया है, तो फिर उसको कितने बार वो सोने के थाली में खाना खाएगा। तो अब आप सोचिए, मैं एक वेरी सिंपल क्विक एग्जांपल देता हूं। हम सब जानते हैं एवरेस्ट चढ़ना कितना एडवेंचरस है, कितना जानलेवा है, हम सब जानते हैं। वहां जाने का संकल्प करना ही बहुत कठिन होता है। वो संकल्प कौन करते हैं? जनरल अंडरस्टैंडिंग मेरा है, वो पूरा यात्रा करने के लिए एवरेस्ट के ऊपर पहुंच के वापस आने के लिए जो पूरा जो कॉस्टिंग आता है, अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में अगर 80 लाख का कुछ मैंने पढ़ा था, ऐसा सुना था, और उसके लिए 2 साल का मेहनत भी चाहिए। क्यों चाहिए 2 साल का मेहनत? क्योंकि पहाड़ों को कैसा चढ़ना है, फर्स्ट आप अपने घर के आसपास का जो पहाड़ों के ऊपर ट्राई करोगे, ट्रैकिंग करोगे, वो सारा करोगे। उसके बाद आप हिमालयन माउंटेनियरिंग कॉलेज जो भी है वहाँ जाओगे, फिर वहाँ ट्राई करोगे, वहाँ ट्रेनिंग करोगे, वो 3 महीने 4 महीने जो भी उसका कोर्स होगा वो करोगे, फिर बेस कैंप में रहोगे, वहाँ प्रैक्टिस करोगे, फिर वहाँ से और आगे बढ़ते 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 जाओगे। तो आपको ये भी पता है 2-3% डेथ का भी पॉसिबिलिटी है इस एंटायर जर्नी में। वो एडवेंचर है, ऐसा एडवेंचर है, उस आसान नहीं है, सामान्य लोगों के लिए उतना आसान नहीं है। एक तो मनी चाहिए, दूसरा करेज चाहिए, दूसरा फिजिकल फिटनेस चाहिए। इतना होने के बाद भी 2% का डेथ रेट है उधर, और बहुत सारे लोग चढ़ने के टाइम पर नीचे गिर जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, सिर के ऊपर चोट लग जाते हैं, ये सारा सबको पता है, फिर भी कुछ लोग जाना चाहते हैं। वो हमेशा बढ़ते जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो नया एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं इस धरती के ऊपर। नोइंगली उतना पैसा कमाने के बाद, उतना होने के बाद, उतना रिस्क होने के बाद भी लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? अनुभवों के लिए। और अब आप सोल के रूप में आप ऊर्ध्वलोकों से नीचे आते हो भूमंडल के ऊपर, कुछ तो प्लान कर रहे होंगे आप। क्या प्लान करेंगे? पुरोगमन के लिए। पुरोगमन का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं वो नहीं चाहिए आपको, जो नया चाहिए, जो ऑलरेडी आपने अनुभव किया वो नहीं चाहिए आपको, नया चाहिए। वो नया क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। जो लोग अज्ञान में है उनके लिए वो कठिन या दुर्बल या पीड़ा के समान हो सकता है। जो ज्ञानी है वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो ज्ञान उनके पास है तो अनुभव एडवेंचर हो जाता है। यही हमें समझना है, तब आपको पूरा विश्व का जो प्रणाली आपको समझ में आता है। विश्व का प्रणाली तो बाद में समझो, फर्स्ट आप अपने आप का प्रणाली समझो। आप क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, उसके पास क्यों है, ये कंपैरिजंस, ये सारा आपके सामने फटाफंच हो जाएगा, वो बिल्कुल मिट जाएगा। ये पुरोगमन सिद्धांत है, विथ नॉलेज विदाउट नॉलेज। आप जानते हो या नहीं जानते हो इस दुनिया में आने के बाद, अगर जानते हो तो एंजॉयमेंट है, नहीं है तो आप दुख के साथ जाओगे। दुख किसके लिए? जो पेन आता है वो सोचते हो आपके साथ क्यों आ रहा है, वो आनंद का समय है, फिजिकल आनंद है या मानसिक आनंद है, या आर्गुमेंट में है, तर्क वितर्क में आप जीत रहे हो तो वो एक आनंद है, तब आपको अच्छा लगता है। मगर उसी चीजों में अगर आपका बॉडी में, आपका शरीर में कुछ अवस्था आता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, फिर आप बोलते हो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो दुख में आप पड़ जाते हो। तो ये सारे ट्रिगर्स है आपको बार बार आप अपना परमात्म तत्व के पास लेके जाने का, उससे पहले आप अपना अपना आत्म तत्व के पास जाने का, आप ये सारा समझना है। जब आप ये समझोगे तब आपको लगेगा आप एक आत्म पदार्थ हो, आप कंपैरिजन खत्म कर दोगे, आप अपना मुखौटा जो पर्सनालिटी आप बना के इधर लेके आए वो आपको समझ में आएगा। ये पर्सनालिटी मेरे लिए इसलिए जरूरत है, इस
धरती में ये कार्य करने के लिए, ये पर्सनालिटी के साथ मेरे को इंटरेक्ट करने के लिए चाहिए। तब वो समझ में आ जाएगा, तब आपको ये समझ में आएगा इस दुनिया में हर कोई अलग अलग है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, सबका अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, कोई भी ज़्यादा नहीं है, कोई भी कम नहीं है, क्योंकि सारे आत्म पदार्थ है, सारे परमात्मा तत्व का मूल तत्व वाले हैं। तब आप सबके साथ आप क्या करोगे, स्नेह करोगे, सबके साथ आनंद पूर्वक रहोगे, इंटरैक्शन बिकम्स टोटली डिफरेंट लेवल, क्योंकि आपके साथ कोई कंपटीशन में नहीं है, आप अपने आप के लिए कंपटीशन में हो। इंटरैक्शन आप देखो हर पल में आपको एक ज्ञान का एक धारा दिखेगा, आपके जीवन में कोई भी है वो सारा आपके लिए एक एक अद्भुत एक्सपीरियंस लेकर आया है, ये समझ पाओगे आप। आपका माता, आपका पिता, आपका ससुर जी, आपका जो कठिन रिलेशनशिप हम समझते हैं, उस सारे कठिन रिलेशनशिप में आपको मीनिंग दिखेगा, पर्पस दिखेगा, आनंद दिखेगा, लर्निंग दिखेगा, आप अपने आप को आगे बढ़ने का मौका देखोगे, लर्निंग क्या है दिखेगा, ज्ञान का धारा आपके अंदर प्रवाहित होते हुए आप देखोगे, कल का नगेश आज का नगेश से अलग है, ये आप खुद अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हो। एक सेकंड पहले वाला नगेश अब का नगेश में डिफरेंस है, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रोग्रेस होते हुए देखा है, यही है पुरोगमन सिद्धांत। अगर आप जानो नहीं जानो वो तो होता रहेगा। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, जब हम गंगोत्री में वो जो स्टार्ट होता है एक बूंद, वो गंगा सागर में तो जाएगा जाएगा, हम जानते हैं कोई रोक नहीं है। अब वो बूंद ये जानकर गंगा सागर में जाती है कि वो एक बूंद है, वो परमात्मा का तत्व का एक अंश है, तो वो उसका बूंद का जर्नी अलग तरीके से होता है। अगर वो बूंद ये सोचता है कि मैं एक बूंद ही हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मेरा क्या है, ये सोच के चलती है, तो पूरा जर्नी वो ठोकर खाते हुए, ऊपर से नीचे गिरते हुए, पत्थरों से टकराते हुए, समुद्र में जाने तक जितने भी उसका जर्नी है, वो प्रयाण है, उसको कठिन दिखता है। उस बूंद का जर्नी वो एंजॉय नहीं कर पाता। वैसा ही हम भी जाएंगे गंगा सागर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मगर उस जर्नी में आप आत्मा और परमात्मा का अंश के आनंद में आगे बढ़ रहे, या बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एक शरीर तत्व में, या मन के तत्व में, या तर्क वितर्क का उस अवेयरनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके चॉइस है। अगर उस चॉइस के साथ जाओगे आप, तब भी आप अपने जर्नी पूरा कर सकते हो, मगर वो जर्नी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अगर आप उस परमात्मा तत्व के अनुसार आप अपनी जर्नी आगे बढ़ाओगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग है। ये कहते हुए हम आज का ये सत्र यहाँ पूर्ण करेंगे, और आने वाले जो एपिसोड में हम अगला कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है योग सिद्धांत। ये योग सिद्धांत आपको दूसरा लेवल पे लेके जाएगा, आपका आत्मा और परमात्मा का जो शिक्षा के बारे में जो पत्री सर बार बार बोलते हैं, उसके बारे में हम और विस्तृत में उसके समझेंगे, और आनंद रूप से इस जर्नी कैसा पूरा कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।